नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबर मेरठ से है, जहां परतापुर थाना क्षेत्र दिल्ली रोड स्थित गांव रेठानी में दिन निकलते ही भारतीय स्टेट बैंक में भीषण आग लग गई। आग लगने से बैंक में सायरन बजने लगा। आसपास के लोगों ने सायरन की आवाज और बैंक से धुआं निकलता देखा तो तुरंत फायर ब्रिगेड को बैंक में आग लगने की सूचना दी। सूचना मिलते ही परतापुर स्थित फायर स्टेशन से फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची। भयंकर आग को देखते हुए फायर ब्रिगेड कर्मचारी बैंक के बेसमेंट की दीवार तोड़कर और ऑक्सीजन मास्क लगाकर बैंक में घुसकर आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि परतापुर थाना क्षेत्र के गांव रेठानी स्थित दिल्ली रोड पर भारतीय स्टेट बैंक की शाखा मौजूद है। बृहस्पतिवार सुबह करीब 9 बजे बैंक अचानक सायरन बजने लगा। सायरन की आवाज सुनकर आसपास के लोग बैंक के निकट पहुंचे। इस दौरान बैंक से धुआं निकलता देख लोगों ने बैंक में आग लगने की जानकारी परतापुर स्थित फायर स्टेशन को दी। बैंक में आग लगने की सूचना मिलते ही फायर स्टेशन से आधा दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां रवाना हो गई। अधिकारियों ने मामले की जानकारी बैंक के मैनेजर को दी, जहां सूचना पाकर बैंक मैनेजर मौके पर पहुंच गए। मैनेजर ने बताया कि बैंक के बेसमेंट में आग लगी है और बेसमेंट में कैश के लॉकर मौजूद हैं। इसके बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारी बेसमेंट की दीवार तोड़कर ऑक्सीजन मास्क लगाने के बाद बैंक में घुस गए और आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल आग के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। आग इतनी भयंकर है कि फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने मेरठ फायर स्टेशन से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को रवाना करने का आदेश दिया है। वहीं बैंक मैनेजर के अनुसार आग से बैंक में बड़े नुकसान की संभावना जताई जा रही है। बैंक के निकट भारी संख्या में पब्लिक इकट्ठा होने के चलते फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने मौके पर परतापुर थाना पुलिस को बुलाकर पब्लिक को बैंक से दूर रहने की साथ बात कही है। सर, आज ये SBI में तो आग लगी है बैंक में, क्या कारण है? ये थाना परतापुर अंतर्गत शताब्दी नगर में दिल्ली रोड पर बेसमेंट ग्राउंड प्लस टू की बिल्डिंग थी, जिसमें बेसमेंट और ग्राउंड पर जो है SBI का बैंक था और उसके बेसमेंट में जो है आग लगी हुई थी। सूचना मिलने पर तत्काल 7 गाड़ियों के साथ यहां पहुंच करके आग को बुझाया जा रहा है। अभी जानकारी मिली है कि दमकल विभाग के कुछ कर्मचारी ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर अंदर घुसे हैं। आग पर कितना काबू पाया गया है या भी आग कितने हैं, ये कुछ पता लगा है? क्योंकि आग बेसमेंट में लगी है और बेसमेंट जो है फुली क्लोज्ड है, जिसके कारण से उसमें पूरा धुआं भरा हुआ है, जिसे फायर फाइटिंग करने के लिए BSZ का उपयोग करते हुए फायर कर्मी जो है आग को बुझा रहे हैं और आग बुझाने का काम लगातार जारी है। कारण क्या कुछ पता लगा है? ये तो आग बुझाने के बाद जांच की जाएगी तो पता चलेगा। इस मामले में और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ मेरठ से जुड़ रहे हैं नवनीत जी। नवनीत जी, पूरा मामला क्या है, आग कैसे लगी वहां पर? हेलो, मैं बता दूं मैडम, ये मेरठ के परतापुर थाने क्षेत्र के दिल्ली रोड स्थित रेठानी के निकट भारतीय स्टेट बैंक है, जिसमें भीषण दिन निकलते ही भीषण आग लगी। आग लगने की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। दमकल विभाग की लगभग 1 दर्जन से गाड़ी अभी मौके पर मौजूद है और इसमें खास बात यह है कि अंदर अभी तक कोई भी दमकल विभाग का कर्मचारी अंदर तक नहीं पहुंच पाया है। धुआं इतना जहरीला निकल रहा है कि आदमी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वो ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर थोड़ा सा ही नीचे जाते हैं तो धुआं ज्यादा होने के कारण उनको अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लगभग 50 से 60 ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो चुके हैं और जो बार बार रिफिल होकर आके उनको यूज कर रहे हैं। नहीं तो अभी क्या कुछ भी उस पर मतलब कंट्रोल नहीं हो पाया है कुछ भी? नहीं मैडम, अभी तक कुछ भी कंट्रोल नहीं हो पाया है। इसमें 4 JCB आकर लैंटर को तोड़ा भी गया मगर लैंटर नहीं टूटा। उसके बाद भी अब कुछ जाके उन्होंने हैमर मशीन मंगा कर लैंटर को थोड़ा काटा गया है उसके अंदर, जिसके जरिए उसमें अंदर पानी छोड़ा जा रहा है, जो आग बुझाई जा रही है काबू करने के लिए। आग काबू करने के लिए आग बुझाई जा रही है। इसमें बेसमेंट में ज्यादा इसमें डॉक्यूमेंट्स और प्राइवेट लॉकर और कुछ कैश बताया जा रहा है इसमें अंदर रखा हुआ। अच्छा, मतलब क्योंकि ये जो आग है ये उसमें लगी हुई, तो यहाँ पे मतलब जो कैश वगैरह था तो उसको उसमें कहीं कुछ नुकसान?
नहीं, अभी सूचना आई है कि बेसमेंट में चुकी लगी है आग, तो अभी जो सूचना आ रही है, ये सूचना आ रही है कि आग से शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है। इसमें लगभग नुकसान काफी हुआ है, बिल्डिंग का काफी नुकसान हुआ है, जो दीवार वगैरह लेंटर काटा गया है, और आग से ना तो लोकर को कोई नुकसान हुआ है और कैश को भी, दोनों चीज सेव कर दी गई है। जी क्या सूचना है, मतलब क्या अंदर कितने लोग फंसे हुए हैं, कुछ जनहानि इस तरह की कोई जानकारी? आज सरकारी छुट्टी होने के कारण कोई भी बैंक में कर्मचारी नहीं था जी। इसके अलावा अधिकारियों का क्या कहना है इस विषय में? इसमें इस पे अधिकारियों का कहना है कि अभी जब तक पूरी तरीके से आग पर काबू नहीं पाया जाएगा, इतना अभी कोई भी दृष्टि नहीं दिखाई जाएगी आग का असली कारण क्या होगा, क्या रहा जी। और कुछ इस तरीके की सुविधाएं वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से आग लगने के लिए कुछ मतलब पहले से मौजूद थी क्या, कोई चपरासी वगैरह वहां पर, कुछ बैंक का कोई इस तरीके से सुरक्षा कर्मी वगैरह कुछ भी कोई था वहां पर? ग्राउंड फ्लोर पर फायर एलिमिनेशन सारे रखे हुए थे, मगर बेसमेंट में कुछ भी अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकते, बेसमेंट में फायर एलिमिनेशन थे नहीं थे, जब तक आग पूरी तरीके से बुझ नहीं जाएगी उसकी दृष्टि नहीं रखी जाएगी कि उसमें फायर एमिनेशन थे नहीं थे। ऊपर ग्राउंड स्थल पर जहाँ कर्मचारी बैठे थे, एम्प्लॉयज बैठे थे बैंक के, वहां तक फायर एमिनेशन थे, आग के जब धुआं उठा था तो फायर एमिनेशन जो फायर अलार्म थे वे बजे, उसी के कारण लोगों को आसपास पता लगा कि बैंक में कहीं आग लगी हुई है। उसके बाद धुआं धीरे 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 बढ़ता गया, जब जाके दमकल विभाग को फोन किया गया, तुरंत ही मौके पर सुबह 8 बजे दमकल विभाग की 2 गाड़ी मौके पर पहुंची थी। उसके बाद तो मेरठ, गाजियाबाद और हापुड़ से गाड़ियां आ रही हैं और आग पर काबू पाने का प्रयास अभी जारी है। अच्छा, नुकसान को लेके जैसे क्या अगल बगल भी कुछ मतलब नुकसान हुआ है इस तरीके से आग लगने से बैंक के अगल बगल? अगल बगल में अभी कोई भी ऐसा नुकसान की कोई सूचना नहीं है, तो बिल्डिंग को ज्यादा नुकसान हुआ क्योंकि तोड़ी गई या काटी गई है जी। नवनीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस विषय में जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।